तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्राइट जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आज चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करेंगे ना कि अमेजन पर COD जो होता है, कैश ऑन डिलीवरी होता है, उसको कैसे आप इनेबल करेंगे कि COD इनेबल हो जाए। कुछ ट्रिक्स है जिसको लगा कर मैं आपको सिखाऊंगा कि COD यानी कैश ऑन डिलीवरी कैसे इनेबल करेंगे। जब भी आप सामान ऑर्डर करने जाते हैं तो बोलते हैं ऑनलाइन पेमेंट के लिए। यदि कोविड की बात करें, कोरोना टाइम में हमको ऑनलाइन पेमेंट करना मजबूरी था क्योंकि वहाँ पे कैश नहीं लेते थे जो डिलीवरी बॉय आते थे। लेकिन इस टाइम तो मतलब लॉकडाउन वगैरह हट चुका है, कोविड का थोड़ा मतलब जो मामला है कम हो चुका है, तो यहाँ पे तो कैश ऑन डिलीवरी उपलब्ध होना चाहिए और कुछ लोगों को मिल भी रहा है और कुछ लोगों को नहीं मिला, तो आखिर ऐसा क्यों भेदभाव हो रहा है? तो इसी के बारे में हम बात करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी कैसे आप इनेबल कर पाएंगे अमेजन में। तो यदि आपको ये जानकारी चाहिए तो इसके बारे में तो इस वीडियो में बने रहिए, पूरा देखते रहे, मैं सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा, बताऊंगा कैसे कैसे क्या करना है। तो यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आखिरी में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए देर क्यों करेंगे, जल्दी से कर देते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों आइए हम यहाँ पे सीख लेते हैं ना कि अमेजन से हमारा जो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी है वो कैसे इनेबल करेंगे, क्या प्रोसेस है, आइए पूरी बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी अमेजन पे ऐप को हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी दोस्तों कॉल आ रहा था, कट कर दिए। अब आइए यहाँ पे दोस्तों आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं अमेजन जो यहाँ पे ऐप है इसको ओपन कर रहे हैं, फिर आगे का पूरा प्रोसेस COD कैसे होगा, क्या उसका प्रोसेस होता है, मैं पूरा सब कुछ समझाऊंगा। एक ही नहीं, मैं दो तरीका इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो एक ना एक तरीका जरूर काम करेगी और जहाँ तक मेरा उम्मीद है दोनों तरीका काम अच्छे से करने वाला है। जैसे जो भी प्रोडक्ट आप यहाँ पे ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें लेना है माइक, तो मैंने सर्च किया माइक MIC, ठीक है। अब हमारे सामने बहुत सारे माइक आ जाएंगे, ठीक है। आई मैं आपको बताता हूँ, दरअसल 21 कंडीशन में यहाँ पे इनेबल नहीं होता है। आई मैं बताता हूँ, आप नया नया अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जैसे होता क्या है ना, बहुत बार ऑर्डर करके ना आप कैंसिल कर देते हैं, सामान नहीं लेते हैं, नया अकाउंट रहता है, आपके एरिया के हिसाब से एलिजिबिलिटी नहीं होती है। देखिए जैसे मेरा 749 रुपये का फर्स्ट माइक है, यदि हम इस पर क्लिक करें, ठीक है, क्लिक करने के बाद हमको क्या कर लेना है आइए बता देते हैं आपको, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद हमको क्या करना है, पूरा पहले लोडिंग ले, उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए लोडिंग ले लिया है। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा एड टू कार्ट, इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है आइए बताते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे देखिए आपका कार्ट है ना, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट ऐड हो चुका है, इस पर आपको ऐड करना है, क्लिक करना है, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना कि यहाँ पे इस तरह से हमारा माइक दिखा रहा है। आप सिंपल यहाँ पे प्रोसेस टू बाई आइटम पे हमको क्लिक करना है, ठीक है। मेरे में पहले ऑप्शन नहीं था, मैं भी बहुत परेशान था, कुछ जो अपना ट्रिक और अपना अनुभव लगाया है वही आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आइए यहाँ से नीचे चलते हैं, नीचे चलने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास पे ऑन डिलीवरी का ऑप्शन एलिजिबल है, यानी हम चाहें तो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आइए यहाँ से हम बैक आएंगे, आपको बताना चाहूँगा ये ऑप्शन मैंने कैसे लाया आपको दोस्तों बताना चाहूँगा। जैसे आपको क्या करना है, 100 रुपये मतलब 50 से लेकर 150 के बीच में कोई छोटा सा सामान आपको क्या करना होगा, परचेज करना होगा, जैसे ईयरफोन वगैरह होते हैं, खाने के कोई सामान होते हैं, वो आपको क्या करना है सर्च करके, यहाँ तो कार्ट में ऐड कर ही दिए हैं, अब यहाँ से बैक आके आपको वो सामान कोई मतलब सर्च कर लेना है यहाँ पे कि मतलब 100 से 150 के बीच में छोटा सामान कोई, उसको सर्च करके उसको ऑर्डर करके तुरंत पेटीएम के थ्रू या किसी भी UPI के थ्रू आप पेमेंट उसका कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद पूरी पहले वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए, पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, ऑर्डर करके पेमेंट कर दीजिएगा, फिर आपको कार्ट में आना है। कार्ट में आएंगे ना, जब अपना आइटम यहाँ पे खरीदने जाएंगे, यहाँ पे इस वाले को जो बड़ा वाला आइटम है, तो वहाँ पे ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आया रहेगा और आप क्या करिएगा, इस सामान को पे ऑन डिलीवरी ऑर्डर कर लीजिएगा। फिर यहाँ से बैक आने के बाद आप चाहे तो जो पहले इसके पहले 100-150 वाला सामान ऑर्डर किया है ना, खाने पीने वाला या ईयरफोन वगैरह, उसको चाहे तो कैंसिल करके रिफंड भी ले सकते हैं 24 से 48 घंटे में। तो दोस्तों रही नहीं कमाल की ट्रिक, हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय दोस्तों।